उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब आज है ईद का थर्ड डे और आज है मेरे घर में दावत माशाल्लाह। सारी प्रेप्स मैंने रात में करके रख ली थी, आपके साथ रेसिपीज भी शेयर करूँगी आज। माशाल्लाह बहुत कुछ है खाने में, कचौरियाँ, बिरयानी तो नहीं बनाई मैंने क्योंकि सबने मुझे बिरयानी बनाने से मना कर दिया था, तो आज मैंने बनाई है पुलाव निहारी और ग्रीन हांडी और बनाया है अनुपम, इसमें केक्स वगैरह ले आई थी तो ज़्यादा कुछ मीठे में रखा नहीं, और शीर खोरमा, ये सारी चीज़ें माशाल्लाह बनाई हैं। तो चलिए दिखाती हूँ आपको मैंने क्या क्या बनाया है। और ये था मेरा आज का आउटफिट। तो यहाँ पे मैंने उबलने के लिए रख दी थी नलियाँ, मैं बनाने जा रही थी निहारी, नली निहारी, इसलिए जो है वो नलियाँ उबालने के लिए रख दी थी और साथ ही साथ चढ़ा दिया था यखनी, पुलाव की यखनी। यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ ग्रीन चिकन हांडी, जिसके लिए मैंने लिया है हरा धनिया, पुदीना, लहसुन अदरक, एक दरमियानी प्याज, 8 से 10 हरी मिर्चें और एक बड़ा खाने का चम्मच ज़ीरा। बस इसे ब्लेंडर में अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, एक चटनी सी बना लेनी है इसकी, और फिर उसके बाद हम चिकन में इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट, कम से कम 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा। पहले हम इसे चटनी में अच्छी तरह मैरिनेट करेंगे, लाइक 1 घंटा या आधा घंटा। वैसे चिकन की मैरिनेशन का टाइम कम होता है, लेकिन जैसे आपको मुनासिब लगे या जल्दी अगर बनाना हो तो आप इसे 1 घंटा भी रख सकते हैं। और जब ये चटनी में जो है अच्छे से मैरिनेट हो जाए, देन फिर हम 1 बड़ा कप इसमें दही का ऐड कर देंगे। दही को अच्छी तरह फेंट के ऐड करना है और देन फिर अगेन हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे। मैं ये सारी प्रेप्स रात में कर रही थी तो मैंने इसे ओवरनाइट डीप फ्रीजर में मैरिनेट कर दिया था। यहाँ मैंने ली है हांडी और उसके बाद ऑयल गरम किया है, देन फिर ऐड कर दिया मैंने इसमें जो चिकन रात में मैंने मैरिनेट करके रखी थी, बस वो ऐड की है और इसे गल जाने तक पकानी है। इसमें हमने पानी वगैरह कुछ ऐड नहीं करना है क्योंकि इसमें ऑलरेडी दही का पानी शामिल होगा, तो ये दही के पानी में गल के बिल्कुल रेडी हो जाएगी। बस जनाब ये झटपट सी ग्रीन चिकन हांडी कह लें या कढ़ाई कह लें बन के रेडी हो जाएगी। इसमें थोड़ी सी मैं हल्दी भी ऐड करूँगी, आप चाहे तो आपकी मर्ज़ी ऐड करें या नहीं करें, लेकिन थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे तो कलर इसका अच्छा आ जाएगा। ये देखिए ये पक के बिल्कुल रेडी हो गई है। आप चाहें तो इस स्टेज पर हरा धनिया और अदरक वगैरह डाल के सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इस पर लगाऊँगी कोयले का दम। बस यहाँ पे कोयले का दम लगाया है और फिर ये रेडी टू ईट है और रेडी टू सर्व है। ये देखिए जनाब कितनी जल्दी से क्विक से बनने वाली ये रेसिपी है। तो जब भी आप दावत रखें और बड़ी दावत हो, 3 से 4 डिशेस रखनी हो, तो आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि ऐसी डिशेस चुनें जो बहुत ईजीली बन जाए और ज़्यादा टाइम टेकिंग भी ना हो। बस जनाब यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ निहारी, उसके लिए मैंने लिया है कुकर, कुकर में ऑयल गरम किया है और इसमें थोड़ा ज़्यादा ऑयल जाता है तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ऑयल लिया है। फिर ऐड किए हैं मैंने बीफ के बड़े पीसीस गोश्त के, ये तकरीबन 2 kg के करीब होगा। आप चाहें तो छोटे पीसीस भी रख सकते हैं, लेकिन निहारी में बड़े पीसेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो इसलिए मैंने बड़े पीसीस ले लिए थे। तो बस जब तक वहाँ पर मैंने अच्छे से भून रहा है वो लहसुन अदरक में और उसका पानी जब तक ड्राई होगा गोश्त का, तो यहाँ पे मैंने लिया है एक प्याला, उसमें ऐड किया है पानी और देन फिर मैंने शान का एक बड़ा पैकेट जो होता है मसाले का दिल्ली निहारी का, वो मैंने ऐड किया है। मैंने यहाँ पे ऐड किया था 1.5 पैकेट 2 kg गोश्त में। आप मसाले अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा, जैसे आपको रखना है, तेज़ खाना है तो ज़्यादा मसाला ऐड कीजिएगा, अगर आप लोग कम खाते हैं मिर्चें वगैरह या कम मसाला पसंद करते हैं तो फिर कम ऐड कीजिएगा। वैसे ये बिल्कुल परफेक्ट हिसाब है कि आप अगर 2 kg गोश्त ले रहे हैं तो 1.5 पैकेट इनफ है शान के मसाले का, शान के निहारी मसाले का। तो बस यहाँ पर मैंने ऐड किया है पानी, हमें कुकर में कम से कम इसको 20 से 25 मिनट पकाना है ताकि इसका गोश्त अच्छे से गल जाए। इतना अच्छे से गलाना है कि ज़्यादा रेशा रेशा भी ना हो, ज़्यादा टूटे भी ना,
और हमारा गोश्त अच्छे से गल भी जाए। बस जनाब यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ चिकन के सीख कबाब बनाने की। 1 kg के करीब मैंने ये चिकन का कीमा ले लिया था, चॉपर में इसे अच्छी तरह एक दफ़ा और घुमा लिया था। बस फिर मैंने यहाँ ऐड किया है शान का ही सीख कबाब मसाला, आधा पैकेट ऐड किया था क्योंकि ये थोड़ा सा स्पाइसी होता है, तो आधा पैकेट इनफ है। फिर जब इसमें मसाले से मैं कीमा और मसाले अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर इसमें ऐड करूँगी अंडा। ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें वरना तो नहीं डालें, लेकिन अगर इसमें अंडा डालेंगे तो ये टूटेंगे नहीं। तो बस जनाब ये देखिए अंडा मैंने ऐड कर दिया है और फिर इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। अच्छा, यहाँ चिकन के सीख कबाबों को जूसी बनाने के लिए मैं आपको टिप देने जा रही हूँ, वो ये कि जब सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं तो आप इसमें जो है वो 2 बड़े खाने के चम्मच क्रीम के, जो टेट्रा पैक क्रीम होती है जैसे अमूल पैक या ऑलपर की कोई भी क्रीम, आप इसमें ऐड कर दे। देखिए जनाब मैं यहाँ पे 2 बड़े खाने के चम्मच ऐड कर रही हूँ क्रीम के और बस इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। यकीन कीजिए ये आप ऐड करेंगी ना तो बहुत अच्छे जूसी बनके रेडी होंगे और इसका फ्लेवर भी ये क्रीम जो है वो बहुत इनहेंस करती है और बहुत ज़बरदस्त बनके ये रेडी होते हैं। बस यहाँ पे भी मैंने अगेन कोयले का दिया है दम ताकि कोयले की थोड़ी इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए। बस 2 से 3 मिनट हार्डली मैंने इस पे दम लगाया और ये हमारे चिकन के सीख कबाब हो गए रेडी और बस इसे मैं शेप दे दूँगी। मेरे पास सीखें अवेलेबल नहीं थी तो मैंने इसी तरह हाथ की मदद से कर लिया। अगर आपके पास सीखें अवेलेबल हैं तो आप सीखों पे लगा के भी फ्राई कर सकते हैं, बारबेक्यू भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने कबाब जो है वो फ्राई किए थे। तो जनाब यहाँ पे मेरी निहारी भी पक के रेडी हो गई थी, गोश्त भी बहुत अच्छे से गल गया था। यहाँ जो है वो मैं क्या कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ कि मैं निहारी से ऑयल जो है यानी इसकी जो तरावट होती है वो मैं सेपरेट कर रही हूँ। इससे क्या होगा, जब हम इसमें आटा शामिल करेंगे तो जो आटा होगा वो हमारा ऑयल जो है वो पिएगा नहीं और इससे जो है वो हमारी तरावट भी बहुत अच्छी आ जाएगी। तो जब भी आप निहारी बनाएं आटा डालने से पहले आप इसकी सारी तरावट या जितना भी ऑयल है वो एक अलग बोल में निकाल लें। बस यहाँ पे मैं जो हूँ वो कर रही हूँ आटा मिक्स। ये मैंने 1 बड़ा कप आटे का ले लिया था और उसको अच्छे से पानी डाल के मैंने घोल लिया था। याद रहे कि आटा बहुत अच्छे से घुलना चाहिए, इसमें कोई भी लम्स वगैरह नहीं रहे और बड़ी एहतियात से हमें निहारी में आटा शामिल करना है। साथ साथ चम्मच भी चलाते रहना है क्योंकि अगर ये हीट के कांटेक्ट में जाएगा तो इसमें गुठलियाँ भी बन सकती हैं। तो थोड़ा थोड़ा बस आटा शामिल करते रहें और एहतियात से चम्मच चलाते रहें। बस ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं जो हमारे खाने को अच्छा बना देती हैं और मज़ा भी देती हैं। ये देखिए ये देखिए जनाब हमारी निहारी जो है वो गाढ़ी होने लग गई है। जैसे जैसे ये पकती जाएगी वैसे वैसे ये थोड़ी गाढ़ी होती जाएगी। बस हमें इतनी ही इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है, आप चाहें तो ज़्यादा गाढ़ी भी रख सकते हैं लेकिन ये जब रूम टेम्परेचर पे आएगी तो ये और थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए जनाब इसमें कितना अच्छे से उबाल आ गया है। देन अब इसमें हम ऐड करेंगे ये जो हमने ऑयल सेपरेट करके रखा था, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए और बस इसको हल्की आंच पे छोड़ देंगे और फिर हम तैयारी करेंगे निहारी के तड़के की। इसको मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे छोड़ दिया था और फिर एक पैन में ऑयल गर्म किया, उसमें ऐड की थोड़ी सी प्याज और देन फिर मैं यहाँ पे जो इसका निहारी का मज़ा और दुबाला करता है वो ऐड करूँगी अगेन 1 बड़ा खाने का चम्मच शान निहारी मसाला। आप चाहे तो कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो नेशनल का यूज़ कर लें या मेहरान का यूज़ कर लें, जिसकी आपको पसंद हो मसाले आप वो यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैंने इसमें ऐड किया था 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, वो लाजमी ऐड कीजिएगा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि यही असल मज़ा और असल रोगन देता है आप
आपकी निहारी में। देखिए कितना अच्छा कलर आया है मेरी निहारी में। और बस यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं सीख कबाब, और साथ ही साथ मैंने यखनी पुलाव भी रेडी कर दिया था। और बस मेहमान आने शुरू हो गए, बिस्मा भी आ गई, मम्मा भी आ गई, और जो नहीं आए वो आ रहे थे आहिस्ता आहिस्ता। और फिर मैंने सोचा चलो माशाल्लाह सब आने शुरू हो गए हैं तो मैं कचौरियाँ भी फ्राई कर लेती हूँ। कचौरियाँ मैंने नहीं बनाई थी, ये बाहर से ऑर्डर कर दी थी, मतलब फ्रोज़न थी, और मैंने जो है वो बस घर में फ्राई कर लिया था। बहुत अच्छी लगी मुझे ये फ्रोज़न कचौरियाँ, मैं भी फर्स्ट टाइम मंगवाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। जब काम ज़्यादा हो और दावत भी हो और आपको अच्छी भी करनी है तो ये कचौरियाँ बेस्ट ऑप्शन होता है। तो बस जनाब यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने कबाबों में तड़का लगाने की तैयारी। मैंने पैन में लिया था ऑयल, मैंने इसमें ऑलिव ऑयल डाला था। आप चाहे तो मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और फिर मैंने पहले डाले थे फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में कटे हुए आलू और टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च। पहले आलूओं को थोड़ा गला लिया था, उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें ऐड करके हल्का सा फ्राई करके और कबाबों के ऊपर फैला दी थी। बस यहाँ पे अरूबा अम्मी वगैरह सब आ गए थे और मैं यहाँ पे खाना लगाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि सब मेहमान आ चुके थे तो सोचा बस जल्दी जल्दी खाना सर्व किया जाए सबको, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, मेरे ख्याल से 10:30-11 का टाइम हो गया था। और यहाँ पे अरूबा बिस्मा भी मेरी हेल्प कराने आ गई थी। माशाल्लाह सारा काम बहुत अच्छे से हो गया था। ये देखिए हमारा पुलाव भी रेडी हो गया, कबाब भी रेडी हो गए, बस सिर्फ खाना लगना बाकी है। और ये देखिए माशाल्लाह हर चीज़ बन के रेडी हो गई, यखनी पुलाव, ग्रीन कढ़ाई या हांडी, कचौरियाँ, नली निहारी, माशाल्लाह सैलेड, माशाल्लाह हर चीज़ बहुत अच्छी बनी थी, सबको बहुत पसंद आई। अल्लाह पाक ने बहुत अच्छी से ये दावत हमारी करवा दी, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, सबको खाना बहुत पसंद आया। और यहाँ पर बस हम लोग की चल रही थी बातें, साथ ही साथ खाना भी चल रहा था, हर तरफ रौनक ही रौनक माशाल्लाह लगी हुई थी, अल्लाह पाक की अता की हुई सारी नेमतें हमारे दस्तरखान पे मौजूद थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ईद था तो इससे ज़्यादा खुशी का और दिन क्या हो सकता है कि माशाल्लाह सब मौजूद हों, खाने बने हुए हों, एक हल्ला गुल्ला हो रहा हो। अल्लाह पाक हम सब के घरों में ऐसी ही रौनकें कायम रखें, आमीन। और बस यहाँ पे हम सबको खिला रहे हैं और मैं और शहदाद बस यही चेक करने में लगे हुए थे कि सब अच्छे से खा रहे हैं, कोई तकल्लुफ़ तो नहीं कर रहा। होता है ना कि जब दावतों में जाते हैं तो थोड़ा सा सब तकल्लुफ़ कर लेते हैं तो बस यहाँ पे हम लोग सबको सर्व भी कर रहे थे, देख भी रहे थे, और फिर लाना ले जाना भी लगा हुआ था। और यहाँ पे ये केक लेके आई थी बिस्मा और ये वाला केक लेके आई थी अरूबा। अरूबा का असल में 2 दिन पहले बर्थडे भी था तो हमने सोचा क्यों ना मौका अच्छा है तो सेलिब्रेट भी कर लिया जाए। तो बस यहाँ हमने अरूबा से केक कट करवाया और हमारी खुशी माशाल्लाह हो गई दोबारा, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर यहाँ पे शुरू हो गए ईदी देने का सिलसिला शुरू हो गया था। और मैं यहाँ पे जो हसन को ईदी के साथ साथ वो जो ईद गिफ्ट बॉक्सेस ऑर्डर किए थे तो वो भी दे रही थी। और माशाल्लाह आप इसकी खुशी चेक कीजिएगा, माशाल्लाह बहुत खुश हो गया था ये अपना गिफ्ट देख के और ईदी देख के। बस यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जिसमें इंसान एक दूसरे के साथ मिल बाँट के सेलिब्रेट कर लेता है। और बस यहाँ मैं बड़ी बहन होने के नाते सबको ईदियाँ दे रही थी, ये बिस्मा की ईदी। और फिर मैंने ईदी दी फायका को, माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा दिन। ये देखिए मैं फायका को छेड़ रही थी कि फायका मैं तुम्हें ईदी दूँ या नहीं दूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप अपनी छोटी और प्यारी सी बहन को ईदी ना दें। और ये अरूबा का जो मैंने ऑर्डर किया था यूनाइटेड का गिफ्ट बॉक्स वो दिया, बिस्मा को मैं पहले दे चुकी थी और उसके साथ साथ उसको ईदी दी। और तैयबा की भी ईदी दी, तैयबा समझ रही थी कि शायद इसको ईदी नहीं मिली लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि ईदियाँ ना मिले किसी को। और बस मम्मा ने फिर सबको ईदी बांटी, यहाँ शहदाद ईदी मांग रहे थे कि भाई हमारी भी ईदी दो, तो मम्मा और अब्बू ने सबको ईदियाँ बांटी। बहुत मज़ा आया माशाल्लाह, बहुत रौनक और एक शुगल वाला माहौल था माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
आप सबके घरों में भी ऐसा रौनक मेला लगा होगा। मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आप सबकी ईदी कितनी कितनी जमा हुई। और बस यहाँ तैयबा की बारी आ गई थी सबको ईदियाँ बांटने की, और फिर अरूबा ने भी कड़क कड़क से नोट निकाले सबको ईदियाँ बांटने के लिए। और अरूबा जो है वो सबके वो कह रही थी कि जो बच्चा मुझे प्यार करेगा सिर्फ उसी को ईदी मिलेगी। ये देखिए अहमद ने तो मना ही कर दिया था कि आनी मैं नहीं दूंगा। यही माशाल्लाह मस्ती और मजाक का माहौल चल रहा था। और फिर सबके चले जाने के बाद मैं आई बिस्मा की तरफ। बिस्मा जो है वो अपना खाना ले जाना भूल गई थी। मेरी कोशिश यही होती है कि जब भी कोई मेरे घर पे आए तो वो खाना खा के भी जाए और साथ लेके भी जाए, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम लोग किसी के घर पे जाके इतना कंफर्टेबली खा नहीं पाते हैं। तो इसलिए जो है वो मेरी कोशिश होती है कि मैं उन्हें पैक करके भी दे दूँ। तो यहाँ जो है वो बिस्मा अपना खाना ले जाना भूल गई थी, तो बस मैं उनके घर आई उनको देने के लिए, और ये दिया हमने उनको उनका पार्सल, जिसे देख के वो खुश हो गई थी। फिर हम लोग आ गए घर। घर आते आते ऑलमोस्ट मुझे कोई 2:45 बज गए थे, क्योंकि बिस्मा से मिलने के बाद शहदाद मुझे बाहर घुमाने ले गए थे। तो हमें रात में आते आते जो है वो घर कोई 2:45 बज गए थे, और मेरा थकन से हो गया था बुरा हाल। रात के 2:45 और बस मैं अभी अभी घर आई हूँ और थकन से अब मेरा बहुत बुरा हाल हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है हाल मेरा। तो इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।